नमस्कार और आदाब, मैं हूं आशिकिन कुरैशी। आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज कलीमुल्ला खां की। अमरोहा पहुंचे प्रशासनिक न्यायमूर्ति कलीमुल्ला खां हसनपुर पहुंचे और वहां कोर्ट का निरीक्षण करने के बाद बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच में तालमेल बने रहने से ही वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, क्योंकि बार और बेंच न्यायिक रथ के दो पहिए हैं जिनके बिना न्याय की गाड़ी नहीं चल सकती। इस मौके पर बार एसोसिएशन के लोगों ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति का स्वागत भी किया। बाद में जनपद न्यायालय पहुंचे न्यायमूर्ति ने यहां भी कोर्ट का निरीक्षण किया और वकीलों की समस्याएं सुनी। यहां पहुंचने पर जनपद न्यायाधीश छेदीलाल वर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश विकास सक्सेना, राज सिंह वर्मा, शोभीलाल, बीडी भारती, सीजेएम राजेश कुमार, सिविल जज सीनियर डिवीजन राम नारायण, एसीजेएम सुभाष सिंह बघेल, रजत वर्मा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीरज कुमार गर्ग, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती छाया शर्मा सहित न्यायिक अधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद थे। बात अब लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी भवनाथ सिंह ने 19 तारीख को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। पहले दिन लोकसभा चुनाव लड़ने वालों ने नामांकन पत्र खरीदे, लेकिन दूसरे दिन भी कोई नामांकन कलेक्ट्रेट में दाखिल नहीं हुआ था। सपा प्रत्याशी हुमैरा अख्तर ने सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़ी सादगी के साथ हुमैरा अख्तर कलेक्ट्रेट पहुंची। उनके साथ उनके पति कमाल अख्तर, महबूब अली, चौधरी चंद्रपाल सिंह, अशफाक अली खां मौजूद थे। वहीं दूसरा नामांकन पत्र नई अखिल भारतीय कांग्रेस के अली हसनैन ने दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी वाहनों को बंबूगढ़ से जोया के लिए डाइवर्ट किया गया था और चारों ओर बैरिकेटिंग कर किसी को भी जाने की इजाजत कलेक्ट्रेट तक नहीं थी। बाद में एएसपी शकील अहमद, एसडीएम प्रेम प्रकाश, सीओ कृष्ण गोपाल ने सुरक्षा व्यवस्था का कलेक्ट्रेट पहुंचकर जायजा लिया। दोनों नामांकन शांतिपूर्वक दाखिल किए गए। जेपीएन 7 को मिली जानकारी के अनुसार रालौत के राकेश टिकैत 24 मार्च सोमवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फरहत हसन हाजी शब्बन मंगलवार 25 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बात अब लोकसभा चुनाव की। अमरोहा लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। 17 अप्रैल को अमरोहा में मतदान होना है। आप सांसद किसको चुनेंगे ये तो आपके दिल के फैसले की बात है, लेकिन सांसद चुनने से पहले कुछ बातें जरूर सोचें। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बागडोर कहीं उन लोगों के हाथों में ना पहुंच जाए जो चेहरे बदलकर आपके सामने आए हैं। अगर यहां आपसे चूक और गलती हुई तो आप 5 वर्ष तक पछताते रहेंगे, जैसे पहले भी कभी पछता चुके हैं। इसलिए अमरोहा से ऐसा एमपी चुने जो हकीकत में आपकी समस्याओं का निदान करा सके, आपके शहर को सहूलियत दिला सके, आपकी जो अहम परेशानियां हैं उनको दूर करने में आपके साथ रहे, ईमानदार हो, मौका प्रस्त लोगों से सावधान रहें। मौका प्रस्त लोगों से आपको होशियार रहने की जरूरत है, उनके बहकाव में आप कतई ना आएं। अपने जमीर की आवाज में ऐसा फैसला लें जिससे आम आदमी का भी भला हो और शहर को भी कुछ मिल सके। ऐसे लोगों को बागडोर ना सौंपें जो खसौटा खसाटी में लग जाएं और अपने विकास के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे। ऐसे लोगों को अगर आपने अमरोहा के सांसद की बागडोर सौंपी तो हकीकत में क्षेत्र की जनता 5 वर्षों तक पछताती रहेगी। वोट की ताकत आपके हाथ में है, एमपी चुनना अब आपके हाथ में है। जात बिरादरी और मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर आत्मा की आवाज पर मतदान करें और एक ऐसा सांसद अमरोहा को दें जो एक मिसाल कायम कर सके।